सर्दियां शुरू होते ही मम्मी खूब सारे ताजे मटर लेके हमें बिठा देती थी कि अब इन्हें छीलो। और मटर छीलते छीलते हम खूब सारे मटर खा जाया करते थे और फिर मम्मी से पड़ती थी डांट। तो बचपन की ऐसी ही यादों को ताजा करने वाली एक रेसिपी आज मैं लेके आई हूँ, और वो रेसिपी है ताजे हरे मटर वाले चावल। ये ऐसी रेसिपी है जो सर्दियों में हर घर में बनती ही बनती है और अपने आप में एक कंप्लीट वन पॉट मील है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेहा स्पाइस गली। आज की हमारी रेसिपी एक राइस की रेसिपी है जो कि बहुत टेस्टी है। ये अपने आप में एक कंप्लीट वन पॉट मील है और ये विंटर स्पेशल है। और ये रेसिपी है ताजे हरे मटर के चावल या मटर पुलाव। सर्दियों में जब ताजे हरे कच्चे मटर आते हैं तो उसके साथ ये मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी बनते हैं। वैसे आप इन्हें पूरे साल में फ्रोजन मटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ताजे मटर के साथ इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि ये एक वन पॉट मील भी है, और चाहे तो आप इसे किसी रायते के साथ एकम्पनी भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विंटर स्पेशल हरे मटर के पुलाव। मटर वाले चावल या पीस पुलाव बनाने के लिए मैंने एक बड़ा पैन लिया है। आप चाहें तो ये रेसिपी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। पैन गरम करके मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच घी का डाला है। मैंने यहाँ देसी घी यूज किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब घी गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, 1 पीस दालचीनी, 1 काली इलायची, 1 स्टार एनाइस और 2 तेज पत्ते। ये सब खड़े मसाले डालने के बाद इन्हें कुछ सेकेंड्स के लिए घी में सौते करेंगे। इन सब साबुत मसालों के अलावा आप इसमें 4-5 साबुत काली मिर्च के दाने और 2 से 3 हरी इलायची भी डाल सकते हैं। इनसे भी इस पुलाव को एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू मिलती है। जब ये लौंग और इलायची थोड़े से फूल जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को भी हमें घी में कुछ सेकेंड्स के लिए सौते करना है। जब ये जीरा भी चटकने लगेगा फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप ताजे हरे मटर। मैंने यहाँ ताजे मटर लिए हैं। आप इस रेसिपी को फ्रोजन मटर के साथ भी बना सकते हैं। मटर डालने के बाद हमें इसे कुछ मिनटों के लिए पकाना है। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसे 1-2 मिनट के लिए भी सौते करेंगे तो वो आराम से गल जाएंगे, लेकिन अगर आप ताजे मटर यूज कर रहे हैं तो उन्हें आपको 4-5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। मैंने जो ताजे मटर यूज किए हैं वो बहुत ही छोटे हैं और बिल्कुल कच्चे कच्चे मटर हैं, तो इन्हें मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी। बाकी ये जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तब भी पक जाएंगे। अब बात करते हैं मटर और चावल के रेशो की, कि हमें कितना मटर लेने हैं और कितने चावल लेने हैं। इस रेसिपी में मैंने 1 कप मटर लिए हैं और 3/4 कप यानी कि 3/4 कप चावल लिए हैं। आप इसको मटर और चावल के रेशो को 1:1 भी रख सकते हैं, यानी कि जितने चावल लेने हैं उतने ही मटर। लेकिन खूब सारे मटर डालने से ये मटर वाले चावल बहुत टेस्टी बनते हैं, और जब हम इसमें ताजे सीजनल मटर डालते हैं तो ताजे मटर की मिठास इस रेसिपी को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। तो अब मैंने 4-5 मिनट तक इन मटर को पका लिया है, और अब मैं इसमें धोकर भिगोए हुए चावल ऐड कर रही हूँ। ये 3/4 कप चावल हैं जिनको मैंने 15-20 मिनट के लिए भिगोया है, और भिगोने से पहले मैंने इन्हें अच्छे से 7-8 बार पानी से धो लिया था। अब हम इन भिगोए हुए चावलों को इन मटर वाली कढ़ाई में ऐड करेंगे। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने बासमती चावल यूज किए हैं। आप किसी भी ब्रांड के बासमती चावल यूज कर सकते हैं, या बासमती चावल नहीं यूज करना चाहते तो आप कोई भी वैरायटी के चावल यूज कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद इन्हें मटर के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। अब हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फिर हम इनमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, फिर 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सब मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। चावलों को मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करें, क्योंकि हमने चावलों को पहले भिगोया था इसलिए ये चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, और चांसेस हैं कि मिक्स करते टाइम ये टूट जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि चावलों को बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। हमें इन मसालों को लगभग 2-3 मिनट के लिए पकाना है ताकि मिर्ची का, लाल मिर्च का कच्चापन निकल जाए।
दो तीन मिनट तक इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें चावल से डबल रखनी है। हमने 3/4 कप चावल ऐड किए थे तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक हम पकाएंगे। और इस स्टेज पर आप इस नमक भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम है तो यहाँ नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ चावल में पहला बॉयल आ चुका है। अब मैंने फ्लेम को फिर से लो मीडियम कर दिया है और इसे एक बार मैं मिक्स करूंगी और अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। चावलों को लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका लिड हटाती हूँ और अभी आपको लग रहा होगा कि मटर वाले चावल एकदम रेडी हैं। ये काफ़ी हद तक रेडी भी हैं, लेकिन अभी भी इनमें कुछ पानी बचा हुआ है। ये देखिए, साइड से मैंने आपको दिखाया है कि पैन के एकदम बेस पर अभी भी पानी है। तो अब मैं इसे एक बार फिर से पकाऊंगी और इस समय मैं इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। मटर पुलाव को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसका लिड हटाकर आपको दिखाती हूँ कि ये राइस एकदम तैयार है। ये देखिए, मैंने इन्हें मिक्स किया है और बेस में कहीं भी बिल्कुल भी पानी नहीं है। इन्हें बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि जो मटर एकदम किनारे पे आ गए हैं वो पूरे राइस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारे विंटर स्पेशल ताज़े हरे मटर के चावल या पीस पुलाव एकदम तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि ये चावल कितने खिले हुए बने हैं। चावलों का एक एक दाना अलग है और बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। आप इसी रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सेम रेशियोज के साथ आप उसे एक विसल तक पकाइए और स्टीम रिलीज होने के बाद आप उन्हें सर्व कीजिए। इससे आपके चावल प्रेशर कुकर में भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये विंटर स्पेशल हरे मटर के चावल की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे एक थम्स अप जरूर देंगे। आप मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और उनके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ऐसे ही और इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए नेहा स्पाइस गली को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।